नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब देखते हैं न्यूज हाइलाइट्स। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलगढीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना सेवन। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डेजीविजन एंड प्रोडक्शन। सिक्किम के डिक्चू में टाटा वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत। आज सुबह टाटा वाहन संख्या SK03D0778 सिक्किम की चुलीवन 9 माइल डिक्चू रोड पर खाई में गिर गई, जिसके कारण यह घटना घटी है। मृत व्यक्ति की पहचान राजीव सिवकोटा 28 वर्ष के रूप में हुई है, जो सिलीगुड़ी के लिंबू बस्ती प्रकाश नगर इलाके का रहने वाला बताया गया है। फांसीदेवा थाने की पुलिस ने 22 किलो गांजा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। बिहार तस्करी करने के लिए गांजा लाया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर फांसीदेवा थाने की पुलिस ने गोवल तोला मोड़ पर अभियान चलाकर मोहम्मद अबीउल नामक एक व्यक्ति को, जो बाइक में सवार होकर बिहार जा रहा था, उसकी तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान उसके पास से 22 किलो गांजा बरामद किया गया है। उक्त आरोपी को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया है। बीते बृहस्पतिवार को सिलीगुड़ी के चरक मेले के दौरान हुए हादसे में 4 लोग घायल हो गए थे, जिसमें एक की मौत हो गई है। यह घटना सिलीगुड़ी के 18 खाई स्थित बीएड कॉलेज मैदान में घटी थी, जहां 4 लोग घायल हुए थे, जिसमें से 28 वर्षीय रतन नामक एक युवक की मौत हो गई है। मैनागुड़ी में नाबालिग को प्रताड़ित करने के मामले में पुलिस ने एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जलपाईगुड़ी जिला पुलिस अधीक्षक देवश्री दत्ता ने कहा, अजय राय और विजय राय को पहले गिरफ्तार किया गया था और अब एक और आरोपी अविनाश रॉय को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और आमने सामने पूछताछ की जाएगी। दूसरी ओर आरोपियों ने तृणमूल कार्यकर्ता होने का दावा किया है। इस संदर्भ में तृणमूल ब्लॉक के अध्यक्ष शिवशंकर दत्त ने कहा, आरोपी केवल कानून को प्रभावित करने के लिए तृणमूल कार्यकर्ता होने का दावा कर सकते हैं। आरोपियों का पार्टी से कोई संपर्क नहीं है। मालदा में बहुमंजिला मकान से गिरकर एक वृद्ध की हुई मौत। मालदा शहर के संभ्रांत क्षेत्र कहे जाने वाले गौर रोड पर मंगलवार की देर रात एक वृद्ध की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने खून से लथपथ वृद्ध को मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस इलाके की जांच करने पहुंची। पुलिस और स्थानीय सूत्रों के अनुसार मृतक की पहचान 62 वर्षीय वासुदेव चौधरी के रूप हुई है। उसका घर ओल्ड मालदा थाने के नागेश्वरपुर इलाके में है। वह एक बहुमंजिला मकान में वृद्ध केयरटेकर का काम करता था। जलपाईगुड़ी जिले के तृणमूल के पूर्व अध्यक्ष कृष्ण कुमार कल्याणी की मंगलवार की रात को मृत्यु हो गई है। सूत्रों के अनुसार वह 6 महीने से अधिक समय से जटिलताओं से पीड़ित थे। उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत थी। उन्हें मंगलवार की दोपहर को जलपाईगुड़ी के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बुधवार को इलाज के लिए मुंबई ले जाना था, लेकिन वही जलपाईगुड़ी के प्रमुख वो एक चाय उद्योगपति भी थे और मुंबई ले जाने से पहले ही उन्हें उनकी आकस्मिक निधन हो गई है, जिससे पूरे जलपाईगुड़ी शहर में माहौल शोक का छाया हुआ है। अलीपुरद्वार जिले के विभिन्न चाय बागान में काम करने वाले स्टाफ और सब स्टाफ के वेतन में वृद्धि की मांग को लेकर डुअर्स के विभिन्न चाय बागानों में स्टाफ और सब स्टाफ ज्वाइंट कमेटी की ओर से लगातार आंदोलन किया जा रहा है। बुधवार को कालचिनी प्रखंड के भातखावा, अतियापाड़ी, चुआपाड़ा, मेचपाड़ा समेत विभिन्न चाय बागानों के स्टाफ और सब स्टाफ संयुक्त कमेटी की ओर से गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी के चूनाभट्टी मोड़ में एक पेड़ में आग लग गई। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की खबर पाकर दमकल मौके पर पहुंची और इसी के साथ साथ जो सूत्र बता रहे हैं, मंगलवार की देर रात आए तेज तूफान और आंधी में बिजली का एक पोल गिर गया और तार टूटकर पेड़ में आग लग गया। रात होने के कारण स्थानीय लोगों को इसकी सूचना नहीं मिली, परंतु सुबह होते ही उन्होंने पेड़ में लगी हुई आग को देखा और तुरंत दमकल विभाग को खबर दिया, बिजली विभाग को सूचित किया। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग को काबू किया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी राज्यों में आंधी के साथ साथ हल्की वर्षा की संभावना है। इससे गर्मी के आंशिक राहत की संभावना है। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी व मध्य भारत में तपन का दौर जारी है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है।
विश्व बैंक के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भी वर्ष 2022 के लिए भारत के विकास दर अनुमान को घटा दिया है। मंगलवार को IMF की तरफ से जारी रिपोर्ट में इस वर्ष के लिए भारत की इकोनॉमी में 8.2% की वृद्धि दर होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं इससे पहले 9% वृद्धि का दर अनुमान था। हालांकि नए आकलन में वृद्धि दर की रफ्तार घटने के बावजूद भारतीय इकोनॉमी चीन के मुकाबले तकरीबन 2 गुनी रफ्तार से आगे बढ़ेगी। बढ़ती गर्मी और बढ़ती बिजली की मांग देश के 12 राज्यों के सामने बिजली संकट ज्यादा खतरनाक रूप से ले सकता है। यह स्थिति तब है जब देश की सबसे बड़ी कोयला कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने इस अवधि में बिजली कंपनियों को 14.2% ज्यादा कोयला आपूर्ति की है और मांग को पूरा करने के लिए अप्रैल महीने में ताप बिजली घरों ने 9.5% ज्यादा बिजली बनाई है। आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, हरियाणा में 3.7% से 8.7% बिजली की कटौती हो रही है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर बढ़ने लगी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 2067 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान कोरोना संक्रमण से 40 लोगों की मौत हुई है। इस तरह बीते 24 घंटे में COVID-19 के मामलों में 65.7% का उछाल आया है। बीते 2 साल में देश में कोरोना संक्रमण के 4,30,47,594 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं इस वायरस की वजह से होने वाले मौतों का आंकड़ा 5,22,006 पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमण के 12,340 सक्रिय मामले हैं। आज के न्यूज हाइलाइट्स में इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। तपाईले सिलगढीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासर स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30-45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप इम्युनिटिजका साथमा रूफटप इम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रेलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चम्पासरी सिलगढी। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हैवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबेल्स, क्रेबट्री, लेग्रेंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834।